अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप सबके साथ बहुत ही यम्मी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि है मलाई बोटी पराठा रोल। और पूरी रेसिपी देखने के लिए आप वीडियो के एंड तक लाजमी वीडियो देखिएगा और लाजमी ट्राई कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू वॉच ऑल लेटेस्ट वीडियोज एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच। इंग्रेडिएंट में मैंने चिकन ले लिया है, सफ़ेद मिर्च का पाउडर ले लिया है, सिरका ले लिया है और हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया था और ड्राइड मिल्क ले लिया है, काली मिर्च का पाउडर ले लिया है, नमक ले लिया है, यहाँ पे ज़ीरा ले लिया है और क्रीम ले लिया है और यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है और लाल मिर्च का पाउडर और जो है ना सूखा धनिया का पाउडर ले लिया। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। अभी मैं क्या करूँगी, इसमें काली मिर्च को ऐड कर दूँगी, काली मिर्च ऐड करने के बाद ज़ीरा भी ऐड कर दूँगी, उसके बाद जो है नमक भी ऐड कर दूंगी। नमक ऐड करने के बाद जो है हम इसके अंदर लहसुन अदरक का जो पेस्ट था वो भी ऐड कर देंगे और यहाँ पे जो मैंने रेड चिल्ली का पाउडर लिया था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पे धनिया पाउडर वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और सिरका जो लिया था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे सफ़ेद मिर्च का पाउडर वो भी ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैंने खुश्क दूध जो लिया था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और ग्रीन चिल्ली का जो पेस्ट बना था वो भी ऐड कर दूंगी और फ्रेश क्रीम ली थी वो भी मैं इसमें ऐड कर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको एक से दो घंटे के लिए जो है मैरिनेट करेंगे। दो घंटे के लिए रखेंगे बेस्ट है, लेकिन एक घंटा भी आप रख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे पैन ले लिया, हम इसमें अब हम सॉस बनाएंगे, वाइट सॉस बनाएंगे। मैंने पैन में ऑयल घी डाला और उसमें मैंने लहसुन जो था क्रश किया वो डाल दिया और मैदा भी ऐड कर दिया। एक मिनट के लिए जस्ट हम पकाएंगे इसको और उसके बाद जो है मैं इसके अंदर नमक ऐड कर दूंगी। नमक ऐड करने के बाद रेड चिली क्रश ऐड कर दूंगी, उसके बाद ब्लैक पेपर ऐड कर दूंगी और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो है मैं इसके अंदर दूध ऐड करूँगी और दूध मैंने ऐड कर दिया था और हम इसको अच्छे से विस्क करेंगे और हमने इसकी जो है ना थिकनेस देख लेनी कि हमें कितना थिक चाहिए। अब मुझे थिक ज़्यादा लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा दूध और डाल दिया और इसको हम थोड़ा सा और विस्क करेंगे एक से दो मिनट। उसके बाद जो है फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे इसके अंदर और फिर से अच्छे से विस्क कर लेंगे इसको। क्रीम ऐड करने के बाद जो है इसमें मैं फ्रेश जो है धनिया वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। धनिया ऐड करने के बाद हम फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर चेडर चीज़ जो है ना वो इसमें मैंने मिक्स डाल दिया और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद जस्ट इसको एक से दो मिनट हम पकाएंगे। हमारा जो सॉस है वो बिल्कुल रेडी और बहुत ही अच्छा सा तैयार होता है। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका कैसा बना। अभी जो मैरिनेट किया था चिकन उसके अंदर जो है ना हम इसको धुएँ का जो है ना सॉरी उसका कोयले का हम इसको स्मोक देंगे और मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था। हम इसको जो है ना दम पे रख देंगे दो मिनट के लिए और इसका जो स्मोक है सारा का सारा वो इसके अंदर चला गया और जिसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। अब ये देख सकते हैं और अब हम क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पर स्क्वीज़र ले लिए, इसके अंदर हम अपने चिकन को ऐड करेंगे। चिकन को हम सबके सब ऐड करके ऐसे कर लेंगे और हम इसको जो है ना फ्राई करेंगे। फिर देख सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ आप लोगों ने भी ऐसे ही जो है ना स्क्वीज़र के अंदर चिकन जो है वो डाल लेना है। ये मैंने कर लिया। अब मैंने पैन में जो है ना ऑयल ले लिया और उसको जो है ना हल्का गर्म कर लिया और आप लोगों ने अभी इसको पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। जब तक अच्छे से टेंडर ना हो जाए, रेड ना हो जाए, गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसको पकाएंगे इसकी साइड्स चेंज करके। हमारा जो चिकन है ना वो रेडी है, मैं इसको अलग से कर लूँगी। प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें एंड शेयर किया करें। अब मैंने यहाँ पे पराठे बना लिए थे, आप भी घर में बना सकते हैं। तो अब इन पराठों के ऊपर मैं जो है वो जो मैंने सॉस तैयार किया था क्रीमी वाइट सॉस तैयार कर हम इस पर ऐड कर देंगे और इसके ऐड करने के बाद जो हमने मलाई बोटी तैयार की है वो भी हम इस पर ऐड कर इसमें हम प्याज भी ऐड कर देंगे और प्याज ऐड करके हम इसको अच्छे से रोल बना लेंगे और हमारा यम्मी सा जो मलाई बोटी पराठा रोल है वो रेडी है। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका पराठा रोल कैसा बना। और अब जो मैंने इसमें सॉस भी ऐड कर दिया, सॉस ऐड करने के बाद हम इसको फोल्ड कर लेंगे। आप बटर पेपर में भी इसको रैप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी।
से जो पराठा रोला है वो रेडी है।